हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि दीवार पर रेशे कैसे डालें। ये हमने फेविकोल, ट्रिकेम्बर और राहू सोना का पेस्ट बना के दीवार पर लगाया है। उसके बाद हम इस पर रेगमाल लगा रहे हैं। रेगमाल के बाद हमने ये ट्रिकेम्बर और फेविकोल का लिक्विड लेके इस पे इस तरह से रेशे डालेंगे। देखिए कितने, ये हमने कपड़ा ले लिया है, कपड़े के माध्यम से हम इस पे रेशे डालेंगे। पहले से पूरे पीस पे लगा लेंगे जहाँ हमें रेशे डालने हैं, और इस पीस पे हम पूरे पे लगा लेंगे। ये देखिए, मगर ये सूखने नहीं पाए क्योंकि इसमें फेविकॉल पड़ा होता है। अगर ये सूख गया तो दोबारा के हमें चालू करना पड़ेगा अपना ये काम। अब इस पे हम इस हल्के हाथ से एक सीज से लेके आएंगे। ये देखिए, बहुत ही हल्के हाथ से इसमें अपने आप ही कपड़े को सेट करके रखना होता है। उंगलियों पे सेट होता है सब मामला, ये खुद ही वे डिज़ाइन निकल जाती है। ये देखिए, ये हमने बिल्कुल नीचे से ऊपर से नीचे ले रहे हैं। ये साइड में को निकाल दिया हमने, और ये हमारा पीस रेडी है। अब हम दूसरे पीस की तरफ चलेंगे। ये देखिए, हमने ऊपर टेपिंग कर दी, ऊपर का डिज़ाइन तैयार है, इसलिए हमने ऊपर टेप लगा दिया है, क्योंकि नीचे का जो हम माल लगाएंगे उसमें ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पूरी डिज़ाइन ऊपर वाली ख़राब हो जाएगी। और हम इसी तरीके से इस पे भी, इस पीस पे भी ये पेस्ट लगाएंगे। पूरे पीस पे लगाना है, पहले कहीं भी कोना कोई भी जगह नहीं छोड़नी है, पूरे पीस पे लगा लेंगे। और ये पूरे पीस पे लगने के बाद फिर इसमें एक हिसाब से बड़े कपड़े को उंगलियों में सेट करके हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे, यानी कि रेशे। ये देखिए, रेशे आ निकली इसमें, और देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। ये अभी और उभरेगा जब इसमें स्प्रेड का हाथ लगेगा। अब हम इसे पक्की करने के लिए स्प्रेड का हाथ जरूर लगाएंगे। पहले अभी इस वाले पीस पे भी डाल लें हम। ये आधे पीस से हमने शुरू कर दिया, आधे पीस पे तो हमने लेप इसका लिक्विड लगा दिया है। ये आधे पीस पे जैसे हम तैयार कर रहे हैं, फिर ऊपर से इस पे तैयार करेंगे। ये देखिए, बड़े ही आराम से हो रहा है सब काम, बहुत ही बढ़िया लगता है ये। अच्छा, यहाँ पर पूरे इस पीस पे इधर से लेके उधर साइड तक पूरे पीस पे पैमलिंग होनी थी, मगर इंजीनियर्स के द्वारा तो पैमलिंग ही सेट थी यहाँ पर। और पैमलिंग कैंसिल होने के बाद फिर ये रेशो का आइडिया दिया गया, और रेशे भी काफ़ी ऐसा ही लग रहा है कि पूरी पीस पर पैमलिंग कर दी गई हो, बूट पैमलिंग। ये देखिए, अब हमने इसे पक्का करने के लिए इस प्लेट को मग में छान लिया है, और ब्रश के माध्यम से इस पूरे पीस पे लगाएंगे। देखो, इस पूरे पीस पे हम इस प्लेट को लगा रहे हैं, और अब पूरे पीस पे लगा लेंगे इसे। देखिए, उधर भी लगा दिया। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा पक्का काम हो जाता है। वो पेस्ट जो बना था कैम्बर और फेविकोल के मिलाने पर ही बनाया गया था, और फेविकोल और कैम्बर का हिसाब ऐसा होता है, जैसे मान लो पानी अगर डल भी गया या इस पे पानी का हाथ लग गया तो बिल्कुल रेशे छूट जाएंगे उस जगह से। इसलिए ये देखिए,
पूरे पैसा लगता है, बूट पैमलिंग करा दी गई है, ये देखिए भाई साहब पूरे पे ऐसा लग रहा है कि बूट पैमलिंग, बूट ही लग रहा है पूरा, मजा आ गया। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।